हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल में TG2 की वैकेंसी आ चुकी है, तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोगों को तैयारी में लग जाना है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल विजन आप लोगों को TG2 की तैयारी करा रहा है। तो अब की बार हम लोगों ने मिशन रखा है, अब की बार TG2 पार। तो जब TG2 को पार करना है, TG2 में सिलेक्शन कराना है, तो आप लोग क्या करना है, मेहनत करनी है। तो इलेक्ट्रिकल विजन आप लोगों को पता है कि इससे पहले जब वैकेंसी आई थी यूपीपीसीएल में 2019 में, जिसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराई गई थी, और उसमें से आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि ऑनलाइन मीडियम में तैयारी करके इलेक्ट्रिकल विजन के थ्रू सिलेक्शन पाए थे। और करीब 150 से ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचे थे, लेकिन किसी वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, उन लोगों को बाहर होना पड़ा। तो करीब 50 के आसपास में जो स्टूडेंट्स थे वो सिलेक्शन पाए थे। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या थी। इस बार हम लोगों ने निश्चय किया है कि इस बार हम लोगों ने जो दृढ़ जो संकल्प लिया है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन कराया जाएगा, और अब की बार एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी कि ऑनलाइन माध्यम में सर्वाधिक सिलेक्शन इलेक्ट्रिकल विजन के थ्रू ही आपको यूपीपीसीएल TG2 में देखने को मिलेगा। ऐसा हम लोगों का पूरा मानना है, और जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ चुके हैं और जितने भी स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे, तो उनमें से ज़्यादातर जो छात्र हैं उनका सिलेक्शन कराने का हम लोगों का पूरा संकल्प है। और ये संकल्प तब पूरा होगा जब हम लोग के साथ आप लोग भी मेहनत करेंगे। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का संकल्प पूरा नहीं होगा। तो मेहनत करनी है, मेहनत कैसे करनी है, आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 2019 में एग्ज़ाम तो दिया था, लेकिन टेक्निकल में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। 200 में बहुत से छात्र ऐसे थे पढ़ाई हुए जो कि 140-143 मार्क्स लेकर के आए थे, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गए थे। कंप्यूटर में एक किसी के 19.5 थे, किसी के 19.75 थे। तो आप लोगों की इतनी सारी जो मेहनत थी वो पूरी बेकार चली गई, और काफ़ी दुख हुआ था देख करके कि आप लोगों ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन में इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 140-145 नंबर लाने के बाद भी आप कंप्यूटर में फेल हो गए और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो यही सब देखते हुए इलेक्ट्रिकल विजन ने आप लोगों के लिए कंप्यूटर का मटेरियल रेडी करवाया है। और जो आप लोग 20 नंबर लाने में परेशान हो जाते हैं, 20 नंबर नहीं ला पाते हैं, पूरी उम्मीद है कि जो आप लोग इस बार यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा, और 20 नंबर जो आपका पासिंग मार्क्स है कंप्यूटर में, वो 100% हम कह सकते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आप सिलेक्शन पा सकें और कंप्यूटर का जो है वो एग्ज़ाम पास कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है, आप देख सकते हैं ये आपका मटेरियल है कंप्यूटर का। इसमें क्या है, आपके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके पूछे जा सकते हैं, वो सब आपको दिए हुए हैं। और ये जो आपका मटेरियल है, ये आपका हैंड रिटन नहीं है, ये आपका प्रिंटेड फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, पूरा आपका प्रिंटेड फॉर्म में है, टाइप्ड है, पूरा टाइप करके ही इसका प्रिंट कराया गया है। तो जो लोग भी इसको लेना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ें, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर पास नहीं होंगे तो आप लोग का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो कंप्यूटर पास करने के लिए आपको मटेरियल लेना है, डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, स्पीड पोस्ट से आपके एड्रेस पे आ जाएगा। दूसरी बात, टेक्निकल का जो भी स्टूडेंट है, जो लोग भी तैयारी कर चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोगों ने UP RVNL के लिए TG2 की तैयारी की थी, वो सभी छात्र अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे, और टेक्निकल का इस बार जो 150 मार्क्स का है, एटलीस्ट 120 नंबर तो लेकर के आएंगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि हमने पढ़ाया है, जो हमने पढ़ाया है वो हमें अपने पढ़ाए हुए भरोसा है, जो आपने पढ़ा है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि सर ने जो पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया है और हमारे काम का है, और हम अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये विश्वास अपने ऊपर रखना है। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा ये सोचिए कि ये कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको खाली निकालना है, पास करना है, पास करना है तो मेहनत करनी है, मेहनत करनी है तो इलेक्ट्रिकल विजन का साथ लेना है। और इसके लिए क्या है, आपको पेड कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, पेड कोर्स लीजिए। 112 वीडियोस है टेक्निकल की, 112 वीडियोस में आपको पूरा टेक्निकल का सिलेबस अच्छे से पढ़ाया गया है, डिटेल में पढ़ाया गया है, जिसमें 105 घंटे से ज़्यादा का आपको ड्यूरेशन है। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिकल विजन दूसरी कोचिंग सेंटर्स की तरह नहीं है, जो आपसे पहले तो ऐप डाउनलोड करवाते हैं और उसके बाद आपसे भारी भरकम वीडियो कोर्स के नाम पर फीस लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे उन सब ऐप्स को, और उसमें जब आप पे करते हैं उसके बाद भी आपको टाइम लिमिट दे दी जाती है कि ये जो आपका वीडियो कोर्स है ये सिर्फ 60 दिन के लिए है या 90 दिन के लिए है या 6 महीने के लिए है।
तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके साथ नहीं करता। जब तक आप देखना चाहें तब तक देखिए, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखिए, डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबको एक बार खाली पे करना है और बाकी कंपैरिजन में काफी कम अमाउंट है। अब आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे तो वहां पे आप लोग कितनी फीस देते हैं। काफी लोग गए होंगे, काफी लोग पढ़े होंगे, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप पेड कोर्स की बात करें तो फुल वीडियो सिलेबस के लिए आपको नाम मात्र फीस देनी है। और सभी लोग फॉर्म भरेंगे, जब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जब आप लोग टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से करिए। जब आप फॉर्म भर सकते हैं उसकी फीस भी 700,000 रुपए रहती है, तो जब 700,000 रुपए आप टेक्निकल का फॉर्म भरने के लिए आप पे कर ही रहे हैं तो उसकी अच्छे से तैयारी करिए, नौकरी पाइए। जब नौकरी पाएंगे तो आप भी, आपका जो परिवार है वो भी खुश होगा और हमको भी खुशी होगी कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे काफी सिलेक्शन पाए हैं। तो इसलिए जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और उसमें डिटेल्स लिखी हुई है। मटेरियल नहीं मंगवाया है, मटेरियल मंगवाइए, क्योंकि इससे पहले जो आपका TG2 की तैयारी कराई गई थी उसमें हम लोगों ने केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया था और उसमें भी काफ़ी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था। केवल हम लोगों ने बेसिक मशीन को कवर किया था और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट आपको कवर करके बताए थे। अब जो पेपर आया था वो भी जितने क्वेश्चन आए थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक और मशीन से ही पूछ लिए गए थे। इस वजह से जितना भी सब कुछ हुआ था वो सिलेक्शन ज़्यादा ज़्यादा हुआ था और 150 करीब बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गए थे। तो इस बार क्या है, आपको पूरे सिलेबस की डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, पूरी डिटेल्ड वीडियो, सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। उसके अलावा घर बैठे तैयारी करने के लिए आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। बच्चे पिछली बार कंप्यूटर फेल हो गए थे तो इस बार कंप्यूटर भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है मटेरियल। तो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही हम लोग की तरफ से कि आपका सिलेक्शन ना हो, तो आपको भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। जब आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा और इस बार इलेक्ट्रिकल विजन इस बार इतिहास रच के रहेगा। आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का साथ रहेगा तो हम लोग इतिहास जरूर रचेंगे और इस बार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपका इलेक्ट्रिकल विजन जरूर रहेगा। और हम पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे और आप जिससे पढ़ रहे हैं यानी हम लोगों से, उससे पढ़ करके आपका सिलेक्शन जरूर पाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए और भरोसा रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिकल विजन को पूरा भरोसा है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देंगे और इस बार जो भी बच्चा पढ़ेगा पूरी उम्मीद है कि उसमें अच्छे से अच्छे नंबर उसके एग्जाम में आएंगे। और इस बार रिकॉर्ड बनाना है तो आप लोगों को भी साथ देना है, हम लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ताकि जो भी आगे वाला जो भी एग्जाम आए तो उसमें सबको पता हो, सब याद रखें कि इलेक्ट्रिकल विजन ने UPPCL में सर्वाधिक सिलेक्शन दिए थे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।